नमस्ते ब्रजेश्वरी बुड़ा, आपका स्वागत है। आज खड़े हैं भाई दो ऐसी हैचबैक के सामने जो अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी जगह पे तहलका मचा रही हूँ। अपने अपने प्राइस सेगमेंट में दोनों दोनों तहलका मचा रही हैं। बात करता हूँ दोनों गाड़ियाँ कौन सी हैं कौन सी नहीं है। एक तरफ आप देख रहे हैं सिलेरियो, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वैगनार। अब वैगनार और अपनी सिलेरियो कंपेरिजन क्यों बता रहा हूँ आपको, दोनों गाड़ियाँ सेम गाड़ियाँ हैं भाई, सेम इंजन के साथ आती हैं। थोड़ी सी प्राइस वाइज अंतर है, थोड़ा सा वेरियंट वाइज अंतर है, तो बता देता हूँ। दोनों गाड़ी में आपको रिमोट सेंट्रिंग लॉकिंग मिल जाती है, दोनों रिमोट सेंट्रिंग लॉकिंग आ जाती है। अब आपको खुद को पता नहीं पड़ रहा कौन सी गाड़ी की चाबी कौन सी है, ये चीज़ बताता हूँ। चलो भाई, अब ये जो वेरियंट बताता हूँ ये है वेरियंट भाई ZX-i पेट्रोल, और ये है पेट्रोल भाई वेरियंट है अपना VX-i पेट्रोल। इसकी बात करूँ ये आती है भाई 6,12,000 रुपये की, और ये आती है अपनी 6 लाख रुपये की ओनली एक्स शोरूम। बात करते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और दोनों गाड़ी VX-i और ZX-i के अंदर क्या क्या, मतलब दोनों गाड़ियों में 11,000 का अंतर है एक वेरिएंट के अंतर अंतर। चलो भाई बात करते हैं दोनों गाड़ियों का भाई, ये ZX-i है, ये अपनी VX-i है। तो दोनों के अंदर रिमोट सेंटर लॉकिंग आ जाए, सामने से बात करूँ सामने से आपको ऐसी मिल जा रही दोनों गाड़ियाँ लाइट वगैरह के साथ में, और इधर से आपको इसके अंदर वैगनार के अंदर ये दो लाइन सी मिल जाती है, और इसके अंदर भाई एक स्माइली लाइन इसके अंदर मिलती है। चलो इधर यहाँ से जो भी बात होगी भाई कट टू कट तो होगी नहीं। अब इसमें की बात करूँ उसमें अंदर आपको मिल जाते हैं रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है इसके अंदर। टायर साइज की बात अगर टायर साइज की बात करूँ टायर साइज आपको R14 का टायर साइज मिल जाता है इसके अंदर। और भाई इस पर भी आऊँगा जो भी इसमें क्या क्या मिलता है क्या, दो वाइफर इसके अंदर मिला है, दो वाइफर इसके अंदर। अब इसके टायर साइज की बात करूँ इसके टायर साइज के अंदर कितना टायर साइज का मिलता है इसके अंदर ही भाई R14 का टायर साइज मिल जाता है। ये भी इसके अंदर का टायर साइज 14 का इसके अंदर भी टायर साइज मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में आप उस पर भी फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, इसमें भी ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अब 6 लाख रुपए के अंदर भाई इसको ये 6 लाख में आती है अपनी 6,12,000 रुपए की आती। तो 6 लाख रुपए के अंदर आपसे अंदर भाई फेंडर बटन इंडिकेटर मिलता है, और इस पर भाई आपको ORV बटन इंडिकेटर मिल जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ थोड़ी सी मजेदार रह जाती है, यहाँ पे इंडिकेटर ORV मिल जाता है और यहाँ पे आपको फेंडर मिल जाता है। टायर से दोनों के दोनों सेम हैं, दोनों बढ़िया गाड़ियाँ हैं। अब रियर से दिखाऊँ आपको रियर में किसके अंदर क्या मिलता है। ZX-i के अंदर मिल जाता है आपको रियर वाइफर एंड डिफॉगर देख सकते हो, और VX-i इसके अंदर मिल जाता है भाई कुछ भी नहीं, ना डिफॉगर आता है ना वाइफर आता है, कुछ भी नहीं आता। ये चीज़ अच्छी इसकी टेल लाइट ऐसी आती, इसकी टेल लाइट ऐसी आती, लेकिन सिलेरियो में आपको यहाँ बैजे मिल जाती है। यहाँ पर अपना खोल सकते हो, इसको मैं खोलूँ चाबी भूल गया, इसको मैं खोलूँ यहाँ से तो यहाँ पे आपका बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले पर शो हो रहा हो कितना है कितना, इसके अंदर व्हील कैप रखे हुए अपने, और अपने यहाँ पे लगा सकते हो। पार्सल ट्रे इसके अंदर भी आती है, असेंबली लंगर इसके अंदर जगह दी गई। चलो भाई बंद करते हैं इसको, इसका बूट स्पेस खोल के दिखाऊँ आपको। इसका बूट स्पेस ऐसे खुलता है, उसका भी हैंडल से खुलता है, इसका भी हैंडल से खुलता है, इसका भी डिस्प्ले पर शो रहा होगा। इसके अंदर पार्सल ट्रे नहीं आती। टायर साइज की बात करूँ टायर साइज आपको सेम साइज का इसके अंदर मिल जाता है, MRF का मिलता है टायर साइज, दोनों के अंदर दोनों सेम साइज आपको मिल जाता है। चलो भाई अब इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर के अंदर आपको क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है ZX-i वेरिएंट के अंदर और इसके अंदर। चलो भाई यहाँ दिखाऊँ आपको, तो ZX-i पर चेयर सैलरी के अंदर आपको वो सिस्टम ऐसा मिल जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर भाई ऑक्स USB लग जाता है, स्टीयरिंग वाइटिंग कंट्रोल, 5 स्पीड गियरबॉक्स, मैनुअल AC, मतलब सामने साथ ऐसी चीज़ आपको इसके अंदर दिख जाती है। ये चलो ठीक ठाक है। अब इधर से दिखाऊँ आपको इसके अंदर, इसके इंटीरियर में लेके चलता हूँ। इसके अंदर भाई सिंगल टोन का इंटीरियर मिलता है इसके अंदर मिलता है डुअल टोन का इंटीरियर, ये है। इसमें दिखाऊँ आपको इसके अंदर भी भाई ओनली आपको 6 लाख रुपए के अंदर स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम आपको सेम मिल जाता है, ऐसी आपको एवं इसके अंदर डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है, 5 स्पीड गियरबॉक्स के अंदर मिल जाता है, सब कुछ सेम ही आपको इसके अंदर मिलता ही मिलता है, ये है। रियर से बात करूँ, रियर से यहाँ से दिखा देता हूँ, रियर में भी आपको पावर विंडो मिल जाती है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर वो रखा हुआ है व्हील कैप का, ये है। चारों पावर विंडो इसके अंदर मिलती है, चारों पावर विंडो इसके अंदर मिल जाती है। अब मैं सब पीछे से दिखाऊँ आपको, पीछे इसके अंदर क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है वो भी आपको मैं दिखाऊँ। ये पैसेंजर डोर खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पर चारों पावर विंडो आपको मिल जाती है, रियर पैसेंजर डोर, और सामने से आपको ऐसा ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको इसके अंदर मिल जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें। हेडरेस्ट आपको चारों फिक्स मिलते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर, ये भी आपको दिखा दूँ, यहाँ पर दिखा दूँगा आपको चारों हेडरेस्ट फिक्स मिलते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर। अब इनके अंदर जो इंजन भी आता है दोनों गाड़ियों के अंदर 1.0 लीटर का आता है भाई, 1000 CC का K सीरीज पेट्रोल इंजन, आपको खुद को पता है ये है।
पावर फिगर की बात करें तो पावर फिगर में आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वही आप जानते ही हो। और 67 BHP और 90 mm का टॉर्क आपको मिल जाता है दोनों के दोनों के अंदर। यही आपका कंपेरिजन था कि भाई आप ये 6 लाख रुपए के एक शोरूम में आती है, ये 6,11,000 रुपए के एक शोरूम में आती। तो सैलरी और ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। ऊपर जाओगे तो इससे महंगी ये हो जाएगी, इससे महंगी, मतलब ऐसे ब्रांड बाई महंगे होते रहते। लेकिन एक छोटा सा कंपेरिजन था भाई कौन सी गाड़ी आपको, अब माइलेज की बात करूँ ये भी आपको 25 का देती है, ये अपनी 23 का देती है। तो माइलेज वगैरह भी दोनों नॉर्मल नॉर्मल ही है, अपने हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं अगर माइलेज की बात करूं तो दोनों नॉर्मल माइलेज लेती, दोनों की एक इंजन है, ये अपना डिजाइन नया डिजाइन है, ये अपना थोड़ा सा पुराना डिजाइन है, फेसलिफ्ट वाला ये वाला ये है। तो एक चीज़ बताऊं, वैगनआर अपने सेगमेंट में एक अलग ही मजा से मानती, खुद को पता ही ये चीज़ है। तो बस यही आपको बताना चाह रहा था, बढ़िया है 6,12,000 और 6 लाख रुपये। चलो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपकी इंक्वायरी वगैरह कुछ भी हो, डबरा से वगैरह हो, MP वगैरह से हो, तो बेकायदा डबरा पुछोत्तरा में आके अपना इंक्वायरी दर्ज कराएं, देखें अपनी गाड़ी को, शूट करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज़। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेव ड्राइव, हैव अ नाइस डे।